नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी अभी यात्रा चालू कर रहा हूँ। तो मैं कल नहीं परसों आया था हिंडोली में, तो अभी जा रहा हूँ बूंदी की तरफ। तो अभी सुबह के कोई 8:10 हो रही है, 15 मिनट हो रही है ऐसे कुछ। फिर भाई लोग कुछ 7 तक आ रहे हैं मेरे, फिर वहाँ से चाय पी कर फिर मैं अपनी यात्रा चालू करूँगा। और बाकी भाइयों के पास रहा, कल पूरे दिन इनके पास रहा था, इनके गाँव भी गया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी अभी छोड़ के जाना पड़ेगा, तो ठीक है चलते हैं। तो अभी हम यहाँ से मतलब हॉस्टल से बाहर आ चुके हैं, तभी यहाँ चाय पी रहे हैं। तो अंकल जी का नाम एक बार बोलूँगा, नाम बताओ आपका। तो ये इनको अच्छा, तो ये इनको मतलब जानते हैं ऐसे, तो इनके लगभग लग आपको सब यहाँ जानते हैं, प्रॉपर जानते हैं। तो यहाँ से चाय, तो चाय अच्छी बनाई है अदरक वाली है। तो अभी यहाँ से चलते हैं, अपनी यात्रा चालू करते हैं। बाकी भाई लोगों को भी बाय बाय बोलना पड़ेगा, ठीक है? फिर उनको मिलेंगे अपन वहाँ तक चलेंगे हम आपके साथ। हाँ ठीक है, तो भाई जब तक मेरे साथ चलेंगे। बाकी यहाँ से अभी मेन हाईवे वो 1-2 किलोमीटर बाहर होगा, 2 किलोमीटर। तो अभी हम यहाँ से जा रहे थे हाईवे की तरफ, एक भाई मिले जो गो रक्षा दल के अध्यक्ष हैं। भाई अपना एक बार नाम बता दो। त्रिलोक शर्मा। अच्छा जी, कैसा लगा मुझसे मिलकर? आपसे लग के मिल के बहुत अच्छा लगा। आप एक बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम को लेके आगे बढ़ा रहे हो, इस उद्देश्य को लेके आप आगे बढ़ रहे हो। पेड़ बचाओ, सभी भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के प्रकृति की रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो अभी मैं भाइयों के साथ जा रहा था हाईवे की तरफ, तो और कुछ भाई लोग मिलते हैं तो इनका नाम पूछते हैं। अपना एक नाम बता दो। मेरा नाम विनोद कश्यप। हाँ जी, सुनील शर्मा। आप कुछ बोलना चाहेंगे? भाई से मिल के बहुत अच्छा लगा हमारे को। चलते हाईवे की तरफ अभी। तो वो रहा मेन हाईवे, अभी हम सुबह से 1-2 किलोमीटर हमने कवर कर दिया है। तो अभी यहाँ से भाई मुझे छोड़ देंगे, तो एक और भाई मिला है, भाइयों का कोई दोस्त है। भाई आपका एक बार नाम बता दो। गजेंद्र सैनी। गजेंद्र सैनी, तो ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं। बाकी सब बढ़िया भाई? बस बढ़िया भाई, सब मिलते हैं फिर कभी, ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये भाई हाईवे तक मेरे साथ आएंगे, उसके बाद वहाँ देखेंगे चाय वाला कोई हुआ तो चाय पी के फिर मैं अपने मंजिल पर, और फिर इससे कभी मैं आऊँगा वापस दोबारा मिलने के लिए। और ऐसे मतलब जाने का मन नहीं कर रहा, तो भी अभी जाना पड़ेगा क्योंकि ये सफ़र पूरा भी करना है। सफ़र की दूरी बहुत बाकी है, बहुत बाकी है, क्योंकि अभी आधी भी नहीं हुई है। तो चलते हैं यहाँ से। ये ट्रैवलिंग का सबसे जो बुरा भाग होता है यही होता है कि किसी को छोड़ के जाना पड़ता है बस। ये जो आ गया मेन हाईवे, यहाँ से भी जाऊँगा मैं बूंदी की तरफ। तो अभी यहाँ पर कुछ नाश्ते की दुकान है, तो कचौड़ी खा के चाय पी के फिर यहाँ से चलते हैं। भाई से अभी अलविदा करते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी बहुत हो जाएगा मतलब भाई के साथ, अभी भी मन नहीं हो रहा है जाने का ऐसे। अभी यहाँ से चलते हैं और पहले नाश्ता करते हैं, फिर आगे और अपडेट आपको देते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है, मैं सिरोही राजस्थान से हूँ। जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी ऑल बाय वॉक यानी पैदल यात्रा कर रहा हूँ। तो आज उसका 59वां दिन है, यानी 59 डे हो गए मुझे, और ये हाईवे है। तो आपको पता ही है, अभी मेरे वो दोस्त थे जहाँ पे हॉस्टल में मैं रहा था, तो आपने देख लिया। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ हिंडोली से बूंदी की तरफ। तो बूंदी यहाँ से 27-28 किलोमीटर दूर है, तो शाम तक हम कवर कर लेंगे। बाकी देखते हैं, आज हमारे समाज के कोई तो बूंदी में हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है, तो चलते हैं उनके पास में। तो चलते हैं फटाफट। तो नज़ारा बहुत अच्छा है, बट धूप आ गई है। अभी मैंने पहना हुआ था, टोपी पीछे लटक रही है, अभी बैग कहाँ पर खोले, यहाँ पर खोल के टोपी पहनते हैं फिर चलते आगे। बोलना भूल ही गया, मैंने अपनी यात्रा चालू कर दिया भोले का नाम लेके, जय भोले की। ये आ गया एक ब्रिज है, वो पोपट है हरे हरे, और मैं सुबह से 6-7-8-9 किलोमीटर मैंने कवर कर दिया है। बाकी पानी बहुत ग्रीन ग्रीन है, ये नहर है पूरी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सुबह से 7-8 किलोमीटर मैंने कवर कर दिया है, तो मैं जा रहा हूँ बूंदी की तरफ। तो यहाँ पर कुछ भाई लोग पहले से मेरे लिए खड़े थे, तो मेरा स्वागत कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, लग गए भाई का भाई अकेले हैं, ऐसा नहीं है कि इनके साथ कोई भी अकेले आ रहे हैं। आप देख सकते हो इनके साथ 25 किलो का वजन है, और आप अकेले जा रहे हैं बना रहे। यहाँ पर मेरे भाई लोगों ने माला से माला पहने का स्वागत किया था, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो भाई का एक बार नाम पूछते हैं, एक नाम बता दो। प्रकाश कुमार। आपका? बूंदी से सत्यनारायण। और मैं लोकेश हूँ, और हमारा ब्लॉग चैनल है सत्या कुमाऊत ब्लॉग्स के नाम से चैनल है, आप देख सकते हो चैनल पे जाके। और भाई यूट्यूब वीडियो बिल्कुल देखें, और वीडियो जाके देखें और शेयर भी करें साथ में। और आपका भाई नाम? सत्य है वैसे तो। आपका? लखन कुमार। आपका? अंकित। आपका? सुनील। सुनील, तो ये 4-5 भाई लोग आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तभी यहाँ से मेरी जर्नी में कंटिन्यू करता हूँ, बाकी भाई लोगों से और बातें करते फिर मैं यहाँ से चलता हूँ।
तो अभी दोपहर का 1 बज रहा है, 16-17 किलोमीटर दूर रहा है बूंदी, तो चलते हैं और पहाड़ी पहाड़ है। और वो भाई लोग ने मुझे माला पहने को स्वागत किया, बहुत अच्छा रहा, और मैंने अभी खाना भी खा लिया है, तो चलते हैं यहाँ से। अभी दोपहर क्या 2 बज रहा है और यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, चलते पूरा करते हैं। ताकि बीच में यार गो माता वगैरह मरे हुए होते हैं एक्सीडेंट से, तो क्या कर सकते हैं। बाकी ये बिल पत्थर भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, नज़ारे नज़ारे। कोटा अभी यहाँ से दूर नहीं है, 76 किलोमीटर सिर्फ 76। अभी कोटा का कोटा भरने वाला है, तो 2 दिन और कोटा, मैं आने वाला हूँ कोटा पे। धूप लग रही है, पहाड़ी पहाड़ है पूरे। और अभी 1:30 हो रही है, मुझे ये मालूम नहीं पड़ता कि ये पता नहीं क्या होता है, किलोमीटर होता है पता नहीं क्या होता है, इसको पता हो तो कमेंट करना। ऊपर 8 लिखे हुए हैं, छोटे आते हैं वाइट कलर के बीच में, इसका मुझे अभी तो कोई मालूम नहीं है। कहीं पर 6 लिखा हुआ था, कहीं पर 3, यहाँ पर 8 लिखे हुए हैं, बाकी सब बढ़िया है। मुझे एक गांव आया है, गांव या शहर पता नहीं, तालाब गांव ठीक है, ये गांव आया है। बाकी इसके बाद आगे एक तालाब मुझे दिख रहा है बहुत बड़ा, चलते आपको दिखाते हैं। ये आ गया तालाब गोसलो, मैंने इस गांव का नाम भी तालाब गांव है, और बहुत बड़ा तालाब है यार, ये बहुत बड़ा। नज़ारा यार, वो सब पहाड़ी पहाड़ है, और यहाँ से ब्रिज ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे भी रिश्ता है, तो ब्रिज के ऊपर से उतर जाऊँगे, मुझे मज़ा आता है, चलते हैं। तो भाई साहब पहाड़ी पहाड़ है वहाँ तक, वहाँ से लेके वहाँ तक, ये है मेरे खुशी का राज। पंजाब हरियाणा में बिल्कुल पहाड़ नहीं थे, वहाँ सब पहाड़ी पहाड़ है पूरे, और ये पता नहीं पेड़ किसके ऊपर सब सूखे सूखे, इधर पानी की मुझे कमी लगती है यहाँ पर। बाकी एक गाड़ी आ रही है पीछे की तरफ मुझे मिलने के लिए शायद, तो आज मैं बूंदी जाने वाला था, अभी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो कुछ ऐसे लोग मिले मुझे, तो इनसे पहले इनका नाम पूछते हैं। और एक एक आपका नाम बता दो भैया। मेरा नाम तुषार है, मैं कोटा राजस्थान से हूँ जी। अभी हम लोग दौसा से कोटा जा रहे थे, तो इनको देखा, हमको रुककर इनसे बात करने का, इनसे मिलने की इच्छा हुई, तो इसलिए अभी हम प्रदीप जी के साथ हैं। थैंक यू भैया। आपका नाम? मोहित मिश्रा फ्रॉम दौसा। और बहुत अच्छा लगा इनको देखकर, और सबसे अच्छा लगा कि इन्होंने जो फ्लैग को लगा रखा है, थैंक यू। और काफ़ी मतलब हमें अच्छा लगा कि आप इंडिया के लिए इतना कुछ कर रहे हो, हम काफ़ी मोटिवेट हुए, और आप जैसा हम तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली बात है, लेकिन आपको देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे भी ऐसे लोग मिलते हैं ना, ऐसे मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसे मोटिवेशन मिलते हैं, बूस्ट मिलता है, ये एक सम्मान। मेरा नाम प्रथा है, और आपसे मिलके अच्छा लगा हमें, और आपका जो भी गोल है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया, थैंक यू। मेरा नाम मंजू है, और आपको देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला कि अगर विल पावर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। हाय, मैं दीपेश पाठक। मुझे प्रदीप जी से मिलके बहुत अच्छी और प्रसन्नता हो रही है, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने मिशन में जल्दी सक्सेसफुल हों। थैंक यू सो मच। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी इनको रास्ते में मिले, प्लीज़ स्टॉप, बहुत अच्छा, टॉक टू हिम, यू विल डेफिनेटली फील द अर्ज। जो प्राउड इनको अपने नेशन के लिए है कि इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलने की मिशन ली है, तो वी शुड ऑल सपोर्ट हिम, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली नहीं कर सकते ये चीज़, बट वी कैन ऑलवेज सपोर्ट हिम, वी कैन ऑलवेज इनकरेज हिम, हम इनसे भी सीख सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर वॉक मिशन। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो मिलते भी और मोटिवेशन भी मुझे करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे, तो ठीक है चलते हैं यहाँ से। अभी आज धूप थोड़ी बहुत है यार, एक कुरकुरे देखे गए, मैं खाता नहीं, सच बोलूँ तो खाता हूँ, पर चलते हैं, कोई बच्चे मिले तो उनको दे देंगे, वरना फिर अपना मुंह और पेट तो है ही है।
बाकी ये पहाड़ मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर एक सुरंग है, सुरंग के अंदर से जाएंगे। देखो बूंदी के अंदर जाने वाला रास्ता है ना, वो पीछे रह गया, तो बूंदी के अंदर से भी जा सकते हैं। थैंक यू। तो बूंदी के अंदर से भी जा सकते हैं अपन ऐसे, पर मैं बूंदी के अंदर से नहीं गया क्योंकि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है बूंदी के, तो वो कोटा रोड पर ही है, तो वहाँ पर मैं जा रहा हूँ अभी। बाकी बूंदी से मैं बाहर हूँ अभी, बूंदी के अंदर जाता तो बहुत लॉन्ग पड़ता, कि मेन हाईवे यहाँ सुरंग से बनाया गया है। तो चलते हैं सुरंग के अंदर जाके आपको जय भले की करके दिखाते हैं। ओहो हो, लाइट लगाई गई है यहाँ पर, लाइट पालम तो ये आज के ज़माने की आधुनिक गुफा है, यहाँ लाइटें वगैरह सब कुछ है, तो इसके अंदर आने का कोई टिकट नहीं है, फ्री है, आप आके यहाँ घूम के जा सकते हैं। तो बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया गुफा है, सीमेंट वाली है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कि यार अंधेरे से एकदम होते हैं ना, सुबह उठते हैं दिन जैसे खुलती है, ऐसा हो गया यार, अंदर पूरा अंधेरा था। मैंने सोचा था कि इधर पंजाब में ऐसे वो ट्रैक्टर के ऊपर वो डीजे होंगे, पंजाब में तो सिर्फ ट्रैक्टर के ऊपर होते हैं, राजस्थान के अंदर तो सबके ऊपर। अभी 4:30 बज रहे हैं और 5.5 किलोमीटर रहा है, चलते हैं। आज मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन बूंदी, बूंदी तो मैंने पीछे छोड़ दिया है, बूंदी मतलब अंदर है वो भी, मैं बाहर से होते हुए जा रहा हूँ, तो चलते हैं। एक सर जी ने मुझे इनवाइट किया है तो उनके घर पे, पता नहीं उनका घर है या पता नहीं ऑफिस है, मुझे कोई मालूम नहीं है। बाकी ये फैक्ट्री है, धुआँ छोड़ रही है, इसका क्या इलाज किया जाए, एक ही इलाज है पेड़ लगाओ। ये भाई साहब दुकान है राधे रेडियोज, यहाँ पर रेडियो डाले जाते हैं, डीजे। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर है जहाँ पर मुझे जाना है, तो ये कुछ भाई लोग मिले, इन्होंने मुझे देखा था, तो जो भाई लोगों ने मुझे माला पहनाई थी, ये उनके छोटे भाई है, मतलब उनके रिलेशन में कोई भाई रखते हैं। आपका नाम बता दो। विशाल कुमार। आपका? कमलेश मीणा। तो कैसा लगा आपको मिलकर? हमको बहुत ही बढ़िया लगा, और जो है भैया ने बहुत अच्छा काम किया है, इधर से पैदल जा रहे थे, हमने इन लोगों को देखा, इनको देखा कि यार भैया पैदल पैदल चल रहे थे, क्यों ना हम इनके साथ चल गए, इनका भी थोड़ा कोऑपरेट किया जाए। थैंक यू, थैंक यू। अभी आगे की तरफ ये मतलब ट्रैक्टर में बैठकर आ रहे थे, ट्रैक्टर वालों को रुकाया और उसने बोला कि हम इसके साथ जाएंगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ चलने के लिए। ठीक है भैया। जिस जिनके मुझे घर पे आना था, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था आज शाम के लिए, तो वो भाई साहब जी है, तो इनका नाम पूछते हैं और इनके बारे में पूछते हैं। भाई साहब जी आपके घर नाम बता दें। प्रेम शंकर से नहीं, मैं नानकपुरे चौराहे पर रहता हूँ। और आपको मतलब मेरे से मिलकर कैसा लगा? वो नहीं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, वो तो उन्होंने कल से 3 दिन से इंतजार कर रहा था आपका। तो ये हमारे समाज से है, तो इसलिए इन्होंने मतलब ये दो 3 दिन हो गया मुझे कॉल कर रहे कि आना मेरे घर पे, मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा। तो कल आज सुबह मैं निकला था, ये हिंडोली से निकला था, तो यहाँ से 28-29 किलोमीटर मतलब बूंदी से इनके बाहर ये कोटा रोड पर इनका घर है, तो आज मैं इधर रेस्ट करूँगा और कल मैं यहाँ से कोटा की तरफ जाऊँगा। तो आज मैं यहाँ मतलब जहाँ आना था मैं पहुँच गया हूँ। बाकी सर का बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे यहाँ पर होस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। फिर परिवार का